जय हिंद, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केसर छत्तीसगढ़िया में। दोस्तों, सांप डरने से ज्यादा समझने की चीज है। अगर हम सांपों को समझ पाएंगे तो अपने आप को सुरक्षित भी रख पाएंगे और अंधविश्वास के चुंगल से स्वयं और दूसरों को भी बाहर निकाल पाएंगे। अभी जो हमारे हाथ में है, इस सांप का नाम है सेंडबोआ, यानी जो बालू और रेतीले स्थानों में रहता है। इसको लेके तरह तरह का अंधविश्वास है। एक तो ये दो मुंह वाला सांप, जिसका मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अभी मैं एक ऐसी चीज इसके बारे में बताऊंगा जो एक संवेदनशीलता के साथ साथ ये हास्यप्रद भी है, क्योंकि विषय गंभीर है लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि सांप डरने से ज्यादा समझने की चीज है। कहा जाता है ये सांप सेंडबोआ जिस घर में छोटे बच्चे हैं उस घर में घुसता है और माता का दूध पीने लगता है। नतीजा बच्चे के स्वास्थ्य में गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब ये स्तनपान कर रहा है किसी माता का, तो अपने पूंछ को उस छोटे बच्चे के मुंह में डाल देता है जिसके हिस्से का ये दूध पी रहा होता है। ये बड़ा जटिल है और इसको समझाने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन समझना जरूरी है। तो मेरा ऐसे लोगों से सवाल है जो ऐसा मानते हैं कि ये जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं उस घर में जाता है और दूध पीना शुरू कर देता है जब महिला नींद में होती है। तो मेरे सिर्फ दो सवाल है, दुनिया में ऐसी कोई महिला हो सकती है कि जिसे ये नहीं पता चल पाए कि स्तनपान करने वाला उसका अपना बच्चा, उसका बालक, उसकी बच्ची है या कोई सांप है? क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, कहा यह जाता है कि नवजात शिशु जहां होते हैं वहां ये ऐसा करता है। तो छोटे बच्चे के दांत नहीं होते, उनका स्तनपान करना और ये धारीदार जिनका आरी नुमा दांत होता है इनका स्तनपान करना, दुनिया की ऐसी कोई महिला नहीं होगी जो इन दोनों चीजों के बीच अंतर ना कर पाए। पहला सवाल आप ये उनसे करेंगे जो आपको ऐसा बताते हैं। दूसरा सवाल, दुनिया में ऐसा कोई बच्चा ना हो जो एक सांप के पूंछ और अपनी माता के स्तन में फर्क ना कर पाए। आपने देखा होगा कि बच्चा को जब भूख लगता है तो जोरों से रोने लगता है। आप ये बताइए, जब बच्चा सांप के पूंछ को चूस रहा हो और दूध जब ना निकले तो क्या वो बच्चा चुप रहेगा? बच्चा बिल्कुल भी चुप नहीं होगा। हम अच्छी तरह से बच्चों के स्वभाव को जानते हैं। जब बच्चा चुप नहीं होगा, जोरों से चीखेगा, रोएगा, तो पूरे घर वालों की माता, उसकी माता क्या, पूरे घर वालों की नींद टूट जाएगी और वो देख लेंगे कि सांप दूध पी रहा है। एक तो माँ को स्पष्ट पता चल जाएगा कि मेरा प्यारा बच्चा दूध पी रहा है या किसी और के द्वारा मेरे स्तन में मुंह लगाया गया हुआ। तो ये दो बात आप अगर समझ पाए तो इस तरह के अफवाह, अंधविश्वास, भ्रम से आप बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात, सांप दूध नहीं पीते हैं, सांप शुद्ध मांसाहारी जीव होते हैं। अपने आकार और जिस स्थान पे वो रह रहे हैं उस आधार पे अपने शारीरिक बनावट के दृष्टिकोण से शिकार कर पाते हैं और मांस का भक्षण कर पाते हैं। तो ये इस तरह के किसी भी बेवकूफी का हिस्सा ना बने और इस तरह का कोई वीडियो आपके हाथ लगे जिसमें भ्रम की स्थिति है उसको शेयर ना करें। हमारे क्षेत्र में अंधविश्वास को दूर करने, सिर्फ हमारे क्षेत्र नहीं पूरे भारत देश में इस तरह के अंधविश्वास फैले हुए हैं। इस तरह के वीडियो को आप लाइक ना करें, कमेंट ना करें, शेयर करें। शेयर करने से हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन अंधविश्वास की गहरी जड़ों पे हम छोटी छोटी प्रहारों से अंधविश्वास को जड़ से मिटा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार, धन्यवाद। मैं केसर छत्तीसगढ़िया और कैमरामैन मेरे मित्र अजीत कुमार जायसवाल के साथ। अगर दोस्तों आपको सांपों से जुड़ी ऐसी जानकारी या सांपों से जुड़ी किसी अंधविश्वास के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं कि आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।